यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भले ही पाकिस्तान भारत के बाहर है, लेकिन एक पाकिस्तान भारत में कांग्रेस के भीतर भी है। दरअसल कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने कश्मीर मुद्दे पर बोलते हुए कहा था कि अगर कश्मीरियों को मौका मिले तो वो आजाद होना चाहेंगे। हालांकि अपने बयान को स्पष्ट करते हुए सोज ने यह भी कहा कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो कश्मीर के लोग आजादी चाहेंगे। तो इसी के ऊपर संबित पात्रा ने पलटवार किया है और ये कहा है कि कांग्रेस की पार्टी के अंदर खाते ही एक पाकिस्तान है। मैं कहता हूं, मुशर्रफ ने कहा कि आज़ादी कश्मीरियों का पहला ऑप्शन है। मैं भी कहता, मैंने एक किताब में लिखा, तब भी सही था अब भी सही है, लेकिन मुमकिन नहीं है। और आज़ादी दूसरी तरीके से मिल सकती है, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्रियाँ न बदलें और जम्मू कश्मीर के पहले 5 खत्े और अब हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम 3 खत्े हैं, ये आराम की नींद सोएंगे, डिग्निटी भी होगी, पीस भी होगा और कोई उनकी इज्जत का कोई सौदा गलत नहीं होगा। दे विल नॉट हैव कॉम्प्रोमाइज द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स। दुख का विषय यह भी है कि सैफुद्दीन सोज, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार परवेज मुशर्रफ सत्य कह रहे थे, आज कश्मीरियों को हिंदुस्तान से आजादी चाहिए। आप बताइए, ये बार बार भारतवर्ष को नीचे दिखाने का जो कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, भारत के आर्मी के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है, कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी जी को इसका जवाब देना चाहिए।